हेलो दोस्तों, बरसात का मौसम है और इस मौसम में हम पकौड़े नहीं खाएं तो फिर क्या ही खाया दोस्तों। आज मैं बना रही हूँ पकौड़े, लेकिन कुछ अलग तरीके से। आलू प्याज और पनीर के पकौड़े तो हम सभी खाते हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल बैंगन के पकौड़े, जो कि आप खाएंगे ना तो यकीन मानिए आलू प्याज पनीर सबको भूल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, सिलवट्टे पे मैंने हल्का सा अदरक लहसुन जीरा और काली मिर्च को हल्का सा पीस कर उनका पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे बनाया है उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए, मैंने सिलवट्टे पे इसे अच्छे से पीस लिया है। इसमें मैंने दो हरी मिर्च भी डाल ली थी, आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या दोनों डाल सकते हैं। देखिए, पेस्ट बनकर हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी है, तुरंत बन जाती है और एक बार आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे इस तरीके से और इसे आप दाल चावल के साथ स्पेशली खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे भी खा सकते हैं और दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, या शाम के टाइम खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं। तो देखिए, मैंने बैंगन को इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया था। बैंगन यहाँ पर आप गोल वाला भी ले सकते हैं और लंबा वाला बैंगन भी ले सकते हैं, लेकिन बैंगन आपको बिल्कुल अच्छा होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। उसके बाद ये जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था, सभी बैंगनों पे इस तरीके से अच्छे से दोनों साइड से लगा देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें अच्छे से लगा लेना है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से हम रेसिपीज़ बनाकर तैयार करते हैं आपके लिए। तो देखिए, इसी तरीके से सारे बैगनों में हम लगा लेंगे। तो देखिए, सारे बैगनों को हमने अच्छे से मसालों से कोट कर कर रख लिया है। अब क्या करना है, यहाँ एक छोटे कटोरी मैंने लिया है बेसन। इसमें हम कुछ स्पाइस ऐड करेंगे, जैसे कि हल्का सा लाल मिर्च और हल्दी का पाउडर। यहाँ मैंने हल्का सा नमक डाला है और हाथों से क्रश कर कर अजवाइन डालिएगा, ये तो ज़रूर ही डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन में भी मदद करता है। उसके बाद हल्का हल्का पानी डालकर इसे हमें एक मीडियम थिक घोल के रूप में बना लेना है और एक से दो मिनट इसे आप लगातार फेंट भी लें, ताकि ये हल्का सा हल्का हो जाए और हमारा जो पकौड़ी है वो बहुत ही क्रिस्पी और लाइट बने। इसमें कोई भी सोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। इस तरीके का कंसिस्टेंसी आपको रखना है। तो देखिए, ये हमारा बेसन का घोल भी बनकर तैयार है और हमारा बैंगन में भी मसाले अच्छे से कोट होकर तैयार हैं। 5 मिनट मैंने इसे ऐसे ही रेस्ट के लिए रख दिया था। उसके बाद यहाँ कढ़ाई में हमें गरम करना है सरसों का तेल। इसमें मैं चुटकी भर नमक डाल रही हूँ, इससे तेल बहुत ज़्यादा नहीं खींचता है किसी भी चीज़ को फ्राई करते समय। तो देखिए, इस तरीके से बैगनों को बेसन में हमें लपेटना है और अच्छे से मीडियम गर्मा गर्म तेल में इसे हमें फ्राई कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन होने तक। और बताइए, आप सभी कौन कौन सी रेसिपीज़ बना रहे हैं इस बारिश में, और हमें आपके लिए कौन सी रेसिपीज़ बनानी चाहिए, प्लीज़ आप ये भी हमें कॉमेंट्स में लिख कर बताएं। अगर हमसे बन पाएगा तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे आपके लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, क्योंकि बहुत प्यार बहुत मेहनत से हम वीडियोस बनाकर तैयार करते हैं आपके लिए। और हम कौन कौन सी रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं ये भी बताइएगा हमें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें। तो देखिए, इस तरीके से ये अच्छे से गोल्डन हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे और बाकी सारे बैगनों को भी इसी बेसन में कोट कर कर हम फ्राई कर लेंगे, और ये देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इसी तरीके से सारे पकौड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हैं तवे पे, तो आज मैंने इसे इस तरीके से डीप फ्राई किया है। ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दबाइएगा, देखिए ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और मेरी रेसिपीज़ यूं ही देखते रहती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और मेरी रेसिपीज़ यूँ ही देखते रहें। बाय एंड टेक केयर।